कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या गांधी परिवार के अलावा भी कोई बनेगा? यह बात राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी गांधी परिवार के पास ही रहेगी या उनके अलावा भी किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर सौंपी जा सकती है? 20 अगस्त से कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कांग्रेस के केंद्र में हैं। राहुल गांधी की अध्यक्ष पद के लिए नानुकुर के बाद भी उन्हें इस पद को दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास का आधार राहुल गांधी का सचिन पायलट को धैर्यवान बता देना है। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के राष्ट्रीय कांग्रेस दिए जाने की कीमत पर भी राहुल गांधी चाहते हैं कि सचिन पायलट एक बार और वह भी इसी कार्यकाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में यह बात बैठ चुकी है कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है। सचिन पायलट ने बतौर प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान में कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया, बल्कि जीत के जादुई आंकड़े तक भी ले आए। इसी समय जनता और सत्ता की नब्ज पकड़ने में माहिर अशोक गहलोत ने महे थासू दूर नहीं का जुमला फेंका और सारा फोकस खुद पर करा लिया। सचिन पायलट के पास भावनाएं थी, परिणाम था, लेकिन कमी थी तो राजस्थान में अपेक्षाकृत अशोक गहलोत के जैसा प्रभाव नहीं था, इसलिए वो पीछे रह गए। कुछ बिंदुओं पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को अपने प्रभाव में लेने के बाद सचिन पायलट की जगह फिर से अशोक गहलोत का राज्यारोहण हो गया। लेकिन यहां से सचिन पायलट का एक नया रूप देखने को मिला। इस दौरान वो धैर्यवान और चमत्कारी रूप से ईगोलेस नजर आए। जो पहले उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती रही, सचिन उससे उभरे हुए नजर आए। तमाम प्रसंगों को देखें, उन्होंने कई बार अशोक गहलोत जैसे कूटनीतिक को भी उकसाने का काम किया। यहां तक कि सचिन के भाजपा के संपर्क में रहने के दावे में थोड़ी बहुत सच्चाई भी नजर आने के बाद भी सचिन पायलट ने ऐसा माहौल बनाया कि सचिन को संभाले रखने पर दिल्ली के नेता एकमत नजर आए। हालांकि अशोक गहलोत ने यह साबित करने की कोशिश की कि सचिन के जाने पर भी सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अब बार बार जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज पहनाने की बात सामने आ रही है, तो न सिर्फ मीडिया बल्कि अशोक गहलोत भी है जानते हैं कि उन्हें इतने बड़े पद पर अव्वल तो बिठाया ही नहीं जाएगा। बिठा भी दिया तो यह कांटों का ताज होगा। इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली में सचिन पायलट की लॉबी काफी मजबूत है। अशोक गहलोत को दिल्ली में और वह भी संगठन के लिए काम करने नहीं दिया जाएगा। यही डर अशोक गहलोत को दिल्ली जाने से रोक रहा है। जबकि सच्चाई यह भी है कि समूची कांग्रेस में अशोक गहलोत जैसे दो तीन लोग ही हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। यह भी ठीक है कि कई मामलों में अशोक गहलोत राहुल गांधी से भी बेहतर साबित हुए हैं, क्योंकि उनके पास तत्काल कहने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। उनकी यह खूबी बार बार उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। दूसरा, सभी को यह लगता है कि कांग्रेस हर हाल में सचिन को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का अपना वादा पूरा करेगी। ऐसे में अशोक गहलोत कहां जाएंगे? इस सवाल का जवाब अपनी तरफ से गढ़कर लोग उन्हें दिल्ली का स्वाभाविक दावेदार बताते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। संभव तो यह भी है कि राहुल गांधी इसी जिद पर अड़े हों कि जब तक सचिन के साथ न्याय नहीं होगा वे अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अशोक गहलोत के साथ माया मिली न राम मिली वाली स्थिति हो जाएगी। गहलोत कैंप में शुरू हुई इस सुगबुगाहट के बाद सारा खेमा अलर्ट मोड पर है और किसी तरह से इस सारी प्रक्रिया को टालने के पक्ष में है। गहलोत खेमा अपनी इस राय पर अटल है कि राहुल गांधी के अलावा किसी और को भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, और अगर बना भी दिया तो वह सीताराम केसरी से भी कमजोर अध्यक्ष साबित होना है, इसलिए इस माहौल से दूर रहना ही ठीक है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि अभी भी उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह है? क्या एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति से राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? खैर, सवाल कई हैं जिनका जवाब भविष्य की गर्त में ही छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।